गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया के महत्वपूर्ण तथ्य की। यानी कि जब हम क्रिया को जानते हैं, हमने ये पता लगा लिया है कि काम वाले शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। फाइन, अब क्रिया के बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया काल के साथ कैसे प्रयोग की जाती है या उसमें धातु रूप क्या होते हैं। तो जब क्रिया का अध्ययन करना है उस समय काल और धातु रूप को समझना जरूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं काल की। काल होता समय। तो जो क्रिया होती है वो किसी भी समय को बताती है कि वो काम कब किया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि जब हम लिखते हैं कि लिख रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वो व्यक्ति अभी कभी वो काम कर रहा है। अभी मैंने तो लिख लिया, मेरा काम तो पूरा हो गया, यानी कि वो काम आप खत्म कर चुके हो या फिर आप लिखोगे वो काम आगे करोगे, तो आपको उससे पता लगेगा कि वो काम अभी के समय में किया या पहले के समय में कर चुके हो या आगे करोगे। तो ऐसे ही समय को हम कहते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। क्रिया हमें समय सीमा के विषय में बताती है। किसी भी शब्द में जब क्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो क्रिया से हमें पता चलता है कि वह काम कब किया गया है। कैसे? कि क्रिया से हमें काम के समय का पता चलता है। जैसे हमने यहाँ पर तीन वाक्य लिखे हैं, राम आया यानी कि उसने आने का काम कर लिया है, हो चुका है, डन। राम आ रहा है, आ रहा है यानी कि अभी वो चल के आ रहा है, वो काम कर रहा है, कंटिन्यू है। और राम आएगा यानी कि अभी आया नहीं है, आने वाला है भविष्य में। तो यहाँ पर इस हिसाब से पता चला पहले में कि उससे पता चल रहा है कि वो काम पहले के समय में हो चुका है, आया। तो वो हो गया भूतकाल। कौन सा काल हो गया? भूतकाल। वो काम उसने पुराने समय में कर लिया, जो काम हो चुका है, पास्ट आया, उसका आने का काम हो गया पूरा, तो वो हो गया भूतकाल। उसने पुराने समय में वो काम किया भूतकाल, तो समय क्या हुआ? भूत। अब आया उन्होंने, राम आ रहा है, ये काम अभी हो रहा है वर्तमान में, तो ये वाला काल हो गया वर्तमान काल। कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल, यानी कि अभी प्रेजेंट में वो ये काम कर रहा है। और उन्होंने कहा राम आएगा, यहाँ पर आएगा, वो कब करेगा वो काम? आने वाले टाइम में करेगा, यानी कि वो उसका समय क्या होगा? भविष्य काल। तो काल का मतलब समय। क्रिया कब की गई? पहले की गई है तो वो भूतकाल की क्रिया होगी। जो अभी कर रहा है तो रहा है वो वर्तमान काल की क्रिया होगी। और आएगा यानी कि भविष्य में आएगा, फ्यूचर काल, तो वो कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। तो इस प्रकार क्रिया से हमें काल का पता चलता है। इसलिए क्रिया शब्दों का प्रयोग करते समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम उसे किस समय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात समझना है हमें क्रिया और धातु रूप को। क्रिया कभी भी अपने, जैसे हम प्रयोग करते हैं उड़ना, खाना, पीना, सोना, कभी भी ना लगाकर क्रिया शब्द नहीं होते हैं। क्रिया शब्द हमेशा धातु में ही होते हैं, उनमें ना लगाकर उन्हें क्रिया बनाया जाता है। यानी कि जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बनती है। जैसे पढ़ धन्ना, पढ़ना, तो पढ़ना शब्द क्या है? खाली पढ़ जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? धातु। पढ़ शब्द क्या है? धातु। उसमें हमने ना लगा दिया तो मिलकर बना पढ़ना, तो ये क्रिया शब्द है। पढ़ना क्रिया शब्द है, लेकिन पढ़ खाली जो है वो क्या है? धातु। पढ़ से खाली क्या होता है? धातु। उसी प्रकार उन्होंने कहा सींच धन्ना, सींचना, तो सींच शब्द क्या है? धातु। और सींच में ना जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? क्रिया। तो हमेशा याद रखना, पढ़, उठ, लिख, खा, जा, उड़, कूद, तो ये वाले शब्द क्या होते हैं? धातु। कौन से शब्द होते हैं? धातु होते हैं। जब उनमें नाग लगा देते हैं, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, कूद से कूदना, चढ़ से चढ़ना, तो वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। बिना ना वाले शब्द धातु, ना वाले शब्द क्रिया, ये याद रखना है। तो दो बातें जानना है कि क्रिया काल के अनुसार प्रयोग होती है। काल कौन से हो गए? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और क्रिया हमेशा धातु में होती है, उसमें ना लगाकर उसे क्रिया बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपसे क्रिया पूछेंगे तो आप क्या छांट के दोगे और धातु पूछेंगे तो आप क्या छांट दोगे। तो ये तो था कि जो बातें आपको स्टडी करते समय ध्यान रखना है। अब हम आपको क्रिया के विभिन्न भेदों से भी परिचित कराएंगे और उनके अभ्यास कराएंगे, लेकिन आपको तब तक ये बातों को समझ लेना है और क्रिया की परिभाषा और उदाहरण को कॉपी में लेखबद्ध कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हम अभ्यास लेकर आगे विभिन्न भेदों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।